देखो एक बार क्लिक करने से लाइट जल गई है और दूसरी बार क्लिक करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये इसका एक अमेजिंग फीचर है। तो दोस्तों इसका एक जो फीचर है वो ये वाला है कि इसके आगे की तरफ जो कि फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि स्पेशल लाइट को क्लीन करने के लिए फव्वारे यूज़ किए जाते हैं जो कि। तो ये इसका देखो ऑटोमेटिक गियर है इसका जो है, और ये इसका 4x4 है। तो ओपन रूफ पैनारोनिक इसके अंदर में है, जिसमें कि यहाँ से इसे पुश करेंगे तो ये जैसे देखो पीछे हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शरीफ एंड यू आर वाचिंग एम शरीफ ब्लॉग। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एम शरीफ ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है सुपर स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आपका भाई आपको दिखाने वाला है लैंड रोवर। तो दोस्तों हम जानेंगे आज कि कितने पैसों में ये गाड़ी आती है और कितनी लोडेड है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे आप दबा दोगे तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आपके पास। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की ये हैंडल आ रहा है मेरा, आप इसके थ्रू मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी आपका गाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। महादेव मोटर्स के जो छोटे ओनर हैं भाई अंकित हमारे साथ में हैं। तो अंकित भाई कैसे हो आप? सबसे पहले तो मैं जैसे पता करना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग जैसे हमारी वीडियो को दूर दूर से देख रहे हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपके? जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उनका फॉर्म 16 चाहिए होगा, ओके, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली का बिल, फोटो, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, लोन करा देंगे उनका, ओके। तो दोस्तों जैसे भैया ने बताया पूरी डिटेल्स के आप लोगों को अगर गाड़ी को लोन करवाना है गाड़ी के ऊपर तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत होगी। तो दोस्तों जैसा मैंने डिटेल्स के बारे में आपको बताया कि गाड़ी के लिए पेपर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब भैया से जान लेते हैं कि गाड़ी कितनी लोडेड है और इसके अंदर क्या क्या फीचर है। तो भैया कुछ इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताइए लैंड रोवर। जैसे कि इसके अंदर पैनारोनिक सनरूफ है, पुश बटन स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है, स्टीरियो अनबिल्ड है, ब्लूटूथ वाला स्टीरियो है, ऑटोमेटिक सीट्स हैं, ओके, 4x4 है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों 2013 मॉडल नंबर के साथ में ये गाड़ी खड़ी हुई है, जो कि कंडीशन आप देख सकते हो काफ़ी चमकती हुई कंडीशन है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। आपको मैं पूरी गाड़ी की एक बार प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो भैया से पूछ लेते हैं, भैया ये गाड़ी कितनी चली हुई है अभी तक? तो दोस्तों सिर्फ 60,000 ये गाड़ी चली हुई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका एक स्पेशल फीचर। तो दोस्तों इसका एक जो फीचर है वो ये वाला है कि इसके आगे की तरफ जो कि फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि स्पेशल लाइट को क्लीन करने के लिए फव्वारे यूज़ किए जाते हैं, जो कि दोनों तरफ हैं, आप देख सकते हो कि दोनों तरफ में ये लगे हुए हैं। तो ये एक इसका की फीचर है, बहुत अच्छा जो है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो गाड़ी है वो नोएडा रजिस्टर्ड है, UP 16, आप देख सकते हो कि UP 16 नंबर है। देखो एक बार क्लिक से लाइट जल गई है और दूसरी बार क्लिक करूंगा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये इसका एक अमेजिंग फीचर है। अब मैं आपको इसकी एक बार कंप्लीट इसकी साइड प्रोफाइल पूरी आपको दिखा देता हूं कि ये गाड़ी देखने में कैसी लगती है। तो दोस्तों आप दिखा देता हूं इसका रियर व्यू। आपको देखो रियर व्यू आप देख सकते हो गाड़ी का, जो कि पीछे से भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी खड़ी हुई है। और अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इसके टायर। तो दोस्तों अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसके टायर। तो दोस्तों अब इसके टायर देखो मैं आपको दिखा दूँ, जो कि मिशलेन के टायर हैं, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में और अलॉय व्हील के साथ में है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका इंटीरियर अंदर से, जो कि इसका बेज कलर में रेड के साथ कॉम्बिनेशन में इसके अंदर का पूरा इंटीरियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो विंडो के जो इसमें यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए हैं, जिससे कि आपको विंडो के ग्लास अप डाउन यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अंदर से लॉक ओपन करने के लिए इसमें दिया हुआ है। और इसके जो राइट साइड का जो इसका डोर है उसके अंदर में स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर चारों डोर में लगे हुए हैं इसके। और अंदर से मैं आपको देखो अब इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं यहाँ के स्टीयरिंग से। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टीयरिंग के ऊपर जो कि आप कंट्रोल देख सकते हो, काफ़ी इसके म्यूज़िक कंट्रोल यहाँ पे लगे हुए हैं इसके स्टीयरिंग के ऊपर में। और यहाँ पे इसका है जो पुश बटन स्टार्ट है, ये देखो यहाँ पे ये जो इसका बटन है ये पुश बटन स्टार्ट है ये गाड़ी, और यहाँ पर इसकी चाबी लगाई जाती है, उसके बाद में ये पुश बटन स्टार्ट हो जाती है। म्यूज़िक सिस्टम इसका देख सकते हो, पन्नी भी नहीं उतरी है, म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। तो दोस्तों ये इसका है 4x4, जो कि इसको गाड़ी को पहाड़ों में चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सकता है। तो ये इसका देखो ऑटोमेटिक गियर है इसका जो है, और ये इसका 4x4 है। और दोस्तों देख सकते हो कंडीशन अंदर से देख सकते हो आपको डैशबोर्ड वगैरह की, यहाँ पे भी इसमें सामान रखने की काफ़ी सारी जगह है, आप सामान वामान रख सकते हो। तो ओपन रूफ पैनारोनिक इसके अंदर में है, जिसमें कि यहाँ से इसे पुश करेंगे तो ये जैसे देखो पीछे हो जाता है। तो दोस्तों ये देखो ये बटन को पुश करके ये जो इसका पैनारोनिक है ये ओपन हो जाता है, जो कि ओपन रूफ ये गाड़ी है आप देख सकते हो। और इसमें दोनों तरफ ओपन रूफ है, जो ओपन रूफ है पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ, दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो पीछे की सीट से एक बार इस गाड़ी का व्यू दिखाता हूँ, जो कि सीट जो इसकी लेदर फिटेड सीट कवर इसमें है। तो पीछे की सीट से मैं एक बार आगे का पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी दिखती है। तो देख सकते हो आप ये इसका ये कंप्लीट व्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसके एसी के वेंट जो कि सामने लगे हुए हैं, लेकिन इतनी तेज़ यहाँ तक भी इसके आगे तक हवा आ रही है, पीछे की सीट तक भी कंप्लीट पूरे जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉपर हवा मिलेगी। तो ये देख सकते हो कि इसका ऑटोमेटिक जो है बूट का इसका जो है गेट ओपन हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी बूट स्पेस। सर इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे आप कभी भी बाहर होते हैं, कभी भी बाहर होता है, जैसे आपकी गाड़ी में हवा कम हो जाती है, तो इसमें फंक्शन ये है, यहाँ पर आपका चार्जिंग का सिस्टम है। ओके, यहाँ से आप लगा के आप अपने सारे टायरों में हवा भर सकते हैं। ओके, बहुत शानदार गाड़ी, इसलिए स्टपनी अनयूज़ है, ये देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि स्टपनी जो कि अनयूज स्टपनी है, बिल्कुल मतलब कंप्लीट ब्रांड न्यू कंडीशन में। देखो टायर इसका एलॉय व्हील के साथ में स्टपनी वाला भी, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है यहाँ पे। तो अब मैं भैया से बात कर लेता हूँ इसके प्राइस के बारे में। तो भैया इसका आस्किंग प्राइस कितना है आज? जो इसका आस्किंग प्राइस है 19.5 लाख रुपये। तो दोस्तों 19,50,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। लेकिन उससे पहले मैं भैया से पूछना चाहूँगा इसका कंपैरिजन करने के लिए कि भैया अगर यही गाड़ी अगर नई गाड़ी जो होती है तो नई गाड़ी कितने में आती है ये वाली? 73 लाख रुपये की। तो दोस्तों 73 लाख रुपये में ये गाड़ी आती है नई, और ये भी बिल्कुल नई जैसी कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है, जो कि आपको सिर्फ 19,50,000 रुपये में आपको महादेव मोटर्स पे मिल जाएगी। तो भैया इसका जो प्राइस जो आपने 19,50,000 रुपये है वो नेगोशिएबल है? हाँ जी। तो दोस्तों भैया ने कहा नेगोशिएबल है। अगर भैया कोई हमारा नाम लेके चैनल का आपके पास में आता है तो उसे कुछ डिस्काउंट आप कर देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी आ सकते हो, गाड़ी आपको फाइनेंस भी करवा देंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको आज पूरी डिटेल्स दिखाई, यहाँ पे लैंड रोवर की पूरी डिटेल्स बताई है और कितने पैसों में ये आती है वो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो कॉलिंग टाइम है वो दोस्तों बड़ा इशू आता है, तो कॉलिंग टाइम का बड़ा आप ध्यान रखें। अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों रात में ही कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो और भैया आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जो कॉलिंग टाइम है भैया वो सुबह 10 बजे से और शाम को 7 बजे तक है, तो उसका बड़ा ध्यान रखें, कॉलिंग टाइम में ही कॉल करें। और दोस्तों अब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो तो भैया को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके थ्रू आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बगल में दबा देना छोटी सी बेल आइकन, जो कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी से मिलते हैं ऐसी ही कार की वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।